मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा क्षेत्र बुधनी स्थित देश की जानी मानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ट्राइडेंट लिमिटेड में सोमवार दोपहर अचानक आग लग गई। इस आगजनी में इंडस्ट्री के 5 नंबर गोदाम में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। आग इतनी भीषण थी कि इसे बुझाने के लिए भोपाल नगर निगम होशंगाबाद तक से दमकल बुलानी पड़ी। बताया जा रहा है कि 24 घंटों से ज्यादा दमकल को भीषण आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। इस आग से करीब 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। कलेक्टर अजय गुप्ता रात 10:30 बजे मौके पर पहुंचे थे। वहीं ट्राइडेंट प्रबंधन और अन्य जिम्मेदार कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी टाइटेंट कंपनी के पास हम मौजूद हैं, जहां पर सोमवार के दोपहर से लगातार जो आग लगी थी, 2 दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड का उपयोग किया गया। बताया जा रहा है कि इस जो फैक्ट्री है जिसके पास मैं मौजूद हूं, यहां के गेट नंबर 5 पे जो गोदाम नंबर 5 है, वहाँ पर भीषण आग लगी है। आग का तांडव लगातार जारी है और आज मंगलवार का समय है, सुबह की समय हम खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं टाइटेंट कंपनी है जो अंदर आग लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब मीडिया अंदर आना चाह रहा है तो मीडिया को अंदर नहीं अलाउ है। कंपनी के जो कर्मचारी वो मना कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जो आग लगी है उसको क्यों मीडिया से दबाया जा रहा है और छुपाया जा रहा है। मीडिया अंदर कोशिश करा तो लेकिन कंपनी के कर्मचारियों ने मना कर दिया। फिलहाल की स्थिति में ये बताया जा रहा है अंदर से कि जो आग है वो लगातार जारी है और जो दमकल की गाड़ियाँ वो आ रही हैं और आग को काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। EMS TV के लिए बुधनी से नितिन ठाकुर की रिपोर्ट।